आप देख रहे हैं UMH News। खुर्जा में ग्रामीणों ने लगाए THDC कंपनी पर आरोप। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के गंदे पानी का रोक दिया रास्ता, खेतों में बन गया तालाब, गंभीर संक्रमण रोगों का खतरा। ग्रामीणों ने लगाया क्षेत्र का विकास नहीं कराने का आरोप। ग्रामीण बोले जमीन चली गई, मुआवजा नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के खुर्जा क्षेत्र के अरनिया थाना क्षेत्र में THDC सुपर थर्मल पावर प्लांट बन रहा है, जिसमें 5 गांव की जमीन ली गई थी, जिसके बाद दिल्ली लखनऊ हाईवे पर कंपनी का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। ग्रामीणों ने बताया कि कंपनी ने क्षेत्र के 5 गांव में विकास कराने की बात कही थी, परंतु आज कंपनी अपना वादा भूल गई है। गांव के निकासी का पानी भी कंपनी ने रोक दिया, क्योंकि जो नाला बहता था वो कंपनी के ने दीवार लगाकर बंद कर दिया है, जिससे ग्रामीण आक्रोशित नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र के 273 किसानों को जमीन का मुआवजा नहीं मिला है, जिससे वह अपने और अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं कंपनी के GM कुमार शरद ने बताया कि खेल मैदान में पानी की समस्या का स्थलीय निरीक्षण कर समस्या का समाधान करा दिया जाएगा। वहीं 273 किसानों की जमीन के पैसों के बारे में उन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया। हम खुर्जा नगर से 10 किलोमीटर की दूरी गांव दशहरा में खड़े हुए हैं, जहां THDC कंपनी ने अपना अधिग्रहण करते हुए खेतों को तालाब के रूप में तब्दील कर दिया है, जहाँ गंभीर बीमारियाँ अपना रूप कोद्र रूप दिखाने के लिए तैयार है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि अब बरसात चालू होने वाली है, जिससे बीमारियाँ पैदा होने का खतरा है। आइए जानते हैं कि ग्रामीणों का इस संबंध में क्या कहना है। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। अंकित जी, यहाँ पे जो खेतों का तालाब हो गया है, बताया जा रहा है कि नाला बंद होने से समस्या हुई है, इस बारे में आपको क्या कहना है? हाँ जी, जब से क्या नाम है THDC की दीवार लगी है, पहले हमारा ड्रेनिंग सिस्टम उधर से ही था, तो THDC ने दीवार लगा के पूरा नाला ब्लॉक कर दिया है। तब से गांव का कोई भी ड्रेनिंग सिस्टम नहीं है, तो अभी पूरा खेत ये नाला बन गया, काफ़ी सारी बीमारी फैल रही है और पूरा खेत भी खराब हो रहा है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे किसान आए हुए हैं जिनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। यहाँ पे जो तालाब बन गया है खेतों के अंदर, जिसमें भैंसें नहा रही हैं, कल को बीमारियां संक्रमण फैलता है, इस बारे में क्या कहना है आपको? बीमारी तो चल रही है, फैल रही है, आते हैं बीमारी तो फैल रही है जी, चलेगी का बीमारी फैल रही है। THDC वालों ने ये नाला था गंदा, उन्होंने रोक दिया है और उसका प्रबंध किया नहीं है, बहुतेरी निवेदन किया है पीछे गांव और वो सुनते ही नहीं है। तो आपने इसकी शिकायत करी थी? शिकायत करी है, सब दबा दे। क्या कहते हैं वो? नो, उन्हें नौके दे, हाँ जी वहाँ जाए, हम DM तक भी गए, DM तक भी दबा देते हैं। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि हमने DM से लेकर THDC तक शिकायत किया, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से ग्रामीण आक्रोशित है। वहीं बताया जा रहा है कि करीब 273 लोग हैं जिनकी जमीनों का अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला है, जिस कारण से उनके परिवार में आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। एक और ग्रामीण, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। तो क्या समस्या है यहाँ की गाँव की? गाँव की समस्या ये है, बहुत दूर से गाँव का पानी जो निकासी थी यहाँ से THDC में, इन्होंने बंद कर दिया है जी। और ये जो पानी भरा हुआ है काफी समय से भरा हुआ, बीमारी चल रही है गाँव में, जो वर्तमान जो उन्होंने इसकी शिकायत की है, और जो पूर्व में प्रधान थे उनसे गांव वालों ने शिकायत की, लेकिन वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाई। अभी ये बताया जा रहा है कि पूरा खेल मैदान है करीब, इसको जो है खेल मैदान के रूप में है, जो प्रधान जी ने खेल मैदान के रूप में इसे जो है आगे बढ़ाया जाएगा, इसे यहाँ से जब वो करा करके अगर ये पानी का निकास हो जाता है तो इस खेल मैदान में क्या क्या सुविधाएं कंपनी देगी? कंपनी से तो कोई ऐसा वो नहीं हुआ, कंपनी ने कोई ऐसा। हमें एक 80 साल के ऐसे बुजुर्ग से मिले हैं जिन्होंने अपने जीवन के 80 वर्ष इस गांव की मेहनत और कृषि के लिए दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि गांव में ऐसे लोग हैं, परिवार हैं, जिनको THDC ने जिनकी जमीन ले ली, जिनके बाद वो उस जमीन पर ना खेती कर सकते हैं ना अपनी फसल बो सकते हैं, जिसके लिए वो अन्न तक के लिए मोहताज हैं। आइए बात करते हैं 80 साल के बुजुर्ग राज सिंह से। तो क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ की समस्या यही है कि जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला, उन्होंने तो नौकरी है जी, न उन्हें को कोई मजदूरी है, न उन्हें की खेती है, खेती जबरदस्ती है, NTPC वालों ने कब्जा कर लिया है, वो खाएं क्या? समस्या तो ये है। और जिन्हें कि हमारे जैसे 270 आदमी, उनमें से मैं भी एक, हमारे 11 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखो है और जो है पैसा ही अभी आपको 11 बीघा जमीन का ही मुआवजा नहीं दिया? नहीं मिला है।
कंपनी क्या कह रही है आपसे? कंपनी कह रही है कोर्ट में जाओ, कोर्ट कह रहा है डीएम के पास जाओ, डीएम कह रहा है इलाहाबाद जाओ, कोई कोई सुनता ही नहीं है कहीं भी, कहाँ जाए हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समझी था सर। क्या गांव है, इस गांव की समस्या क्या है? ये गांव की समस्या पहले तो जल भराव की समस्या है, जल ये एनटीपीसी में को जाता था, टीएचडीसी में को, इन्होंने बाउंड्री वाल कर दिया, अंदर भराव कर दिया है, जिससे हमारा नाला बंद हो गया है और ये पानी यहीं पर बंद है। दो साल से बिल्कुल आना जाना पानी का, यहीं छोटी सी बारिश होती है तो गांव का अंदर का पानी जाता है बजाय बाहर के। तो सबसे पहले तो यही समस्या है कि इसका उचित निदान किया जाए पानी का। दूसरी समस्या यह है कि 270 किसान जो यहाँ बाकी बच रहे हैं, टीएचडीसी ने वो पैसा डीएम साहब के खाते में जमा कर दिया। अब उसमें किसी एक किसान की आपसी झगड़े की वजह से और वो हाईकोर्ट चला गया मैटर, तो हाईकोर्ट में आज 4-5 साल से लटक रहा है, 5 साल हो गए। और 5 साल में हाईकोर्ट ने पहले एक कमेटी गठित करी 3 व्यक्तियों की, उन्होंने जाकर के रिपोर्ट दे दी। अब सीबीआई को गठित किया, सीबीआई ने भी रिपोर्ट दे दी। तो अब साल भर से उसमें भी कोई फैसला नहीं आया, जबकि तमाम एविडेंस वहाँ जमा हो चुके हैं। तो मेरा आपके माध्यम से ये शिकायत है कि एक देश में एक कानून होना चाहिए, कि अलग अलग कानून है। एक जो जो सड़क जो राजनीतिक माफिया हैं और जो तुम्हारे अनेक अन्य प्रकार के भ्रष्टाचारी जिनके ऊपर तक पहुंचे, उनको रात के 12 बजे भी कोर्ट खोल करके उनको जमानत और उनकी सुनवाई होती है। और यहाँ किसान गरीब आदमी जो एक एक पैसे के लिए बैठा है, जिनके बच्चे की शादी नहीं हो रही, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, उनके उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, उसका कोई फैसला नहीं आ रहा है। तो हमारा यही कहना है कि अगर वो जो हो सके तो जितनी जल्दी हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करके इसका फैसला दे दे, ताकि जब आप निर्विघ्न रूप से ये भी काम करें और किसान भी फांसी लगा दी जाए, बस ये कहना। देश व प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल UMH News को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, एवं UMH News पर विज्ञापन और समाचार देने के लिए संपर्क करें 9528413080 पर।